आप देख रहे हैं ईटीवी भारत और ये है न्यूज टाइम। दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक हुड्डा से मानेसर जमीन घोटाला केस में ये पूछताछ की गई है। हरियाणा कांग्रेस ने बुधवार से घर घर कांग्रेस अभियान शुरू कर दिया, लेकिन इसके साथ ही हुड्डा विरोधी मानी जाने वाली पूर्व हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने हिसार से अपना अलग कार्यक्रम शुरू कर दिया है। हरियाणा में सर्दी अपने चरम पर है। सुबह के समय घने कोहरे ने यातायात ठप कर दिया है। धुंध के चलते सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी हो गई है। हरियाणा में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक पहुंच गया है। पुलिस ने लोगों से बिना वजह बाहर न निकलने की अपील की है। पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को अपना आधिकारिक बंगला तत्काल प्रभाव से खाली करने का नोटिस दिया गया है। मोइत्रा को पिछले महीने लोकसभा से निष्कासित किया गया था। मुंबई बेंगलुरु स्पाइसजेट फ्लाइट में एक पुरुष यात्री लगभग पूरी यात्रा के दौरान विमान के शौचालय में फंसा रहा। उड़ान के दौरान विमान के शौचालय का दरवाजा खराब हो गया, जिससे यात्री लैंडिंग तक अंदर ही रहा। तेलंगाना के हैदराबाद में रहने वाले एक व्यक्ति ने भगवान श्री राम के लिए 1,250 किलो का विशाल लड्डू बनाया है। इस लड्डू का भोग अयोध्या में रामलला को लगाया जाएगा। निजी क्षेत्र के बैंक शेयरों में बुधवार को सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, जिसके चलते सेंसेक्स 1600 अंक टूट गया। हालांकि कारोबार के आखिरी घंटे में निफ्टी 50 ने अपनी बढ़त जारी रखी। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज बेंगलुरु में खेला जा रहा है। भारतीय टीम इस सीरीज को 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुकी है। टॉलीवुड एक्टर तेजा सज्जा की सुपर हीरो फिल्म हनुमान बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो रही है। फिल्म ने महज 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ के कलेक्शन का आंकड़ा छू लिया है। बाकी खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।